जिसमें हमको देता है सबसे पहले हम कैश सेविंग कंपनी लॉ का जो पेपर है उसमें जो मुतलिक चैप्टर्स हैं उनका वेटेज लेते हैं। तो नंबर वन है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी को आपने कैसे रजिस्टर करवाना, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सरकार है। प्लस इश्यूएंस ऑफ शेयर, कंपनी जनता के पास जाती है, जनता को शेयर इश्यू करती है। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज है 15 to 20 marks। उसके बाद नंबर टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट में दूसरे स्टाफ भी आ जाते हैं, मैनेजरियल स्टाफ भी आ जाता है। इसका वेटेज है 20 to 25 marks। उसके बाद नंबर थ्री जनरल मीटिंग। कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होता है, उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। और इसमें डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग, इसका वेटेज है 35 to 40 marks। उसके बाद है अकाउंट्स एंड डिविडेंड्स 15 to 20 marks, और बाइंडिंग अबाउट कंपनी 15 to 20 marks। मैं डायरेक्ट कंपनी लॉ स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले कंपनी लॉ के हवाले से हम सारा बियर फैक्टर दूर करेंगे, पूरे कंपनी लॉ का रिव्यू लेंगे ताकि हमारा बियर फैक्टर खत्म हो जाए। तो आपने अभी पिक्चर्स खींच ली है, पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी। अपने सामने रखिए जो घर में हम सुने, ये सारी कॉमन सेंस की बातें। पार्टनरशिप और कंपनी का सबसे पहला डिफरेंस है फाउंडेशन। पार्टनरशिप से बस सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट होती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है पार्टनरशिप क्रिएट करने का। कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, कंपनी लॉ के जरिए क्रिएट होती है, कंपनी एक लीगल प्रोसेस के जरिए क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ की तकनीक है। आप और मैं आपस में एग्रीमेंट करके कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते, कंपनी एक लीगल प्रोसेस के जरिए क्रिएट होगी। वो प्रोसेस क्या है बाद में देखेंगे, अभी तो हम रिव्यू दे रहे हैं। डिफरेंस नंबर टू, कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी हो और वो रजिस्टर्ड ना हो ये हो नहीं सकता। जब भी हम कहेंगे कंपनी से मतलब दिस इज अ रजिस्टर्ड बॉडी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के मुकाबले में कंपनी लॉ में एक ज्यादा अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी नहीं है, बेशक आप कंपनी का फंक्शन ना अपने बिजनेस के साथ लगाते रहे। पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनर्स की मर्जी वो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाएं या करवाएं। नंबर थ्री, कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड होती है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, उसको अपना अलग वजूद मिल जाता है, उसको अपनी अलग एंटिटी मिल जाती है। अब वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, उसका अपना अलग वजूद है। ये वजूद उसको लॉ ने ग्रांट किया है, ये एंटिटी उसको लॉ ने ग्रांट किया है। तो इसलिए हम कहेंगे अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, अ कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन। जबकि पार्टनरशिप फर्म की लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का अपना अलग वजूद नहीं है। अब जिन्होंने कैप और मेरे साथ नहीं किया तो उनके लिए मैं रिकॉल करवा दूँ। देखिए जब हम ये कहते हैं हमने कंपनी के खिलाफ केस फाइल की, तो इसका मतलब हमने कंपनी के खिलाफ केस फाइल की, इसका मतलब हमने डायरेक्टर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं किया, इसका मतलब हमने शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं किया। जब हम कहते हैं हमने फर्म के खिलाफ केस फाइल किया है, इसका मतलब पार्टनर्स के खिलाफ केस फाइल किया। जब आप कहते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बेशक 99% शेयर्स कंपनी के आपके पास। जब हम कहते हैं ये फर्म की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। जब मैं कहता हूँ ये कंपनी की लायबिलिटी है, इसका मतलब ये कंपनी की लायबिलिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं है, अलग 99% शेयर आपके पास। जब मैं कहता हूँ फर्म की लायबिलिटी है, इसका मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी है। तो हमें बात यह समझ में आ रही है कंपनी का अपना अलग वजूद है, एंटिटी है, उसको दोनों ने गठन किया है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी और कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी एक अलग पर्सन है। जबकि पार्टनरशिप हम अलग पर्सन नहीं है, उसकी लीगल एंटिटी नहीं है। अब नीचे आ जाए नंबर फोर, परपेचुअल सक्सेशन। परपिचुअल का मतलब है डाइनिंग, सक्सेशन का मतलब वजूद, अपने वजूद कंटिन्यू करते रहना। हमारा परदादा मर गया, हमारा दादा मर गया, हमारा
अब्बा है, अब्बा भी इतने चला जाएगा, मैं इतना चले जाएंगे, बेटा आ जाएगा। तो कंपनी के पास ये खासियत है, वो अपने सक्सेशन मजदूर को परपिचुएट कर सकती है, आगे कंटिन्यू कर सकती है, चला सकती है दाली तौर पर। क्या मतलब? नीचे मैं रीड आउट करता हूँ। अ कंपनी गोस ऑन इन रेस्पेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और मेंबर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स मर खप गए, पागल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कंपनी के वजूद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं शुभ घोष हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का अपना अलग वजूद है। जबकि पार्टनरशिप में देखिए, अब पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ अ सिंगल पार्टनर इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। उर्दू तर्जुमा, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी नहीं है तो एक सिंगल पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एक सिंगल पार्टनर के बैंकरप्ट होने से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का वजूद एंटिटी पार्टनर्स के वजूद के ऊपर डिपेंड कर रही है, जबकि कंपनी के केस में क्या है? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स मर कर गए, पागल होकर बैंकरप्ट हो गए, कंपनी के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शुरू हो। आगे आगे नंबर 5, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं कंपनी लॉ का, ये पेपर तो नहीं है, ये बेस बना दूंगा आपकी, सवाल चाहिए तो मैं बेस बना लूंगा, यानी कंपनी से स्टार्ट कर देता था। तो नंबर 5 डिफरेंस, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। एक्सटेंड का मतलब लिमिट और बॉर्डर। कंपनी कॉलम में क्या लिखा हुआ? लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मेंबर्स इन द कंपनी। इसके इसे एग्जांपल दीजिए। आपने आज से 10 साल पहले टीएसओ के 1 लाख रुपए के शेयर परचेज किए थे, आपको उस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने डायरेक्ट कंपनी में की थी, कंपनी के शेयर परचेज करके, आपको साल में एक मरतबा डिविडेंड मिलता। डिविडेंड का मतलब शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, और अगर कंपनी की इक्विटी 100 रुपये तो आपको साल में 2 मरतबा डिविडेंड मिलता होगा। कुछ 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर परचेज किए थे, उस 1 लाख से आपने बना लिए, उस 1 लाख को माइनस कर दे, आपने 3 साढ़े 3 लाख रुपए बना लिए। अब अगर इस कंपनी को ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो आपने 10 साल पहले जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब जाएगी, वो डूब जाएगी, कंपनी के टैक्स लायबिलिटीज को क्लॉक कर देगी, या आपको सिंगल पैली भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करनी होगी अपने पलकों से, अपने पॉकेट से। तो इसका मतलब कंपनी के मेंबर्स की, मेंबर्स खोले, शेयर होल्डर्स खोले, अभी यही बात है, अभी मैं टेक्निकली क्यों नहीं घुस रहा। कंपनी के शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है उस अमाउंट की हद तक जिस अमाउंट की उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, बस वो आपके 1 लाख रुपए डूब गए। फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको सिंगल पैली भी पे नहीं करनी होगी कंपनी के टैक्स लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए। इसका मतलब कंपनी वो मीडियम ऑफ बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस भी कॉन्टेक्ट करें और लिमिटेड लाइबिलिटी को भी इंजॉय करें, यानी एक टिकट में डबल वसूल डबल नष्ट करें, बिजनेस भी कॉन्टेक्ट करें और लिमिटेड लाइबिलिटी को भी इंजॉय करें। यानी आज की तारीख में अगर बैंक अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कोई क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ज्यादा से ज्यादा होगा इस कंपनी के एसेट्स जब्त हो जाएंगे, मालिक रियाज एंड कंपनी उनकी फैमिली के जो एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स, वो इंटैक्ट रहेंगे। तो एक टिकट में डबल मसे डबल लश करें, बिजनेस भी कॉन्टेक्ट करें और लिमिटेड लाइबिलिटी को भी इंजॉय करें। ये शक्ति सिर्फ कंपनी में है, कंपनी की छतरी के नीचे बिजनेस को कॉन्टेक्ट करने में है, ये शक्ति कहीं और नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप के कॉलम में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम सुना, आपने कैपिटल में फर्म आप पार्टनर है, आपने सिंगल पैनी भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया और बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ शेयरिंग ऑफ लॉस में आपका 0%
और लिखा हुआ शेयर का प्रॉफिट है आपका 25%। अगर फॉर्म के ऊपर कोई फाइनेंशियल कनेक्शन आया फॉर्म की टैक्स लगाने की को पे ऑफ करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने होंगे। आप कोर्ट ऑफ लॉ में यही कह सकते हैं जो ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, मैंने सिंगल पहली की पार्टी दूध दे की थी कैपिटल में, मेरा शेयर 10% है, मुझे क्यों कहा जा रहा है कि उसको 10% मुझे क्यों कहा जा रहा है, आपको पे करना होगा। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहता है दसर इसके आपके कैपिटल में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना कॉन्ट्रीब्यूट दे दिया, कहता है दसर इसके शेयर को क्रॉस में आपका कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है। तो अगर आर्टिकल के अंदर को पूछना पूछ देता है, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा असर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की सबसे बड़ी अटेंशन लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर ने अगर आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में पार्टनर से दिया आखिरी इंटरव्यू होगा ना, उससे अगर ठहरा हो बैठा हुआ हो या फिर किसी ने अच्छी लगे पनौती लगा हो तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। तो पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड उस अमाउंट के तक जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और परचेज इनके शेयर पर कवर है। हमारी आती है नंबर 6, आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर, आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर, आप कंपनी के मैनेजमेंट की अप्रूवल के बगैर, आप बाकी शेयर होल्डर्स की कंसेंट के बगैर अपने शेयर्स मार्केट में किसी अजनबी को ट्रांसफर करके बेचकर उस अजनबी को अपनी जगह कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर बना सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। ये हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में पता रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में सबसे मशहूर प्राइवेट कंपनी यही है। जबकि अगर एक पार्टनर अगर को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर अपना इंटरेस्ट जो भी उसका फंड में लगा हो उसको शेयर नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, चले शेयर कह रहे थे, हालांकि क्वालिटी इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट शेयर अगर किसी अजनबी को ट्रांसफर करता है कर सकता है, लेकिन अगर वो पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर करता है तो वो ट्रांसफर को अजनबी इसकी जगह पर अपने पार्टनर के शेयर नहीं दे सकेंगे। तो इन कंपनी कंपनी बोले तो पब्लिक कंपनी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। आप प्राइवेट कंपनी में है, आप प्राइवेट पार्टनरशिप में है, नंबर सेवन एजेंसी, देयर इज नो एजेंसी बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। आपने PSO में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 50 करोड़ के शेयर परचेज किए, बेशक आपने 50 करोड़ के शेयर परचेज किए हैं, आप PSO के एजेंट नहीं है, आप PSO के बिहाफ पे भी कॉन्टैक्ट करके PSO को कंपनी को बाउंड नहीं करवा सकते। कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स में एजेंसी नहीं है, शेयर होल्डर्स आर नॉट दी एजेंट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में एजेंसी है भी तो वो डायरेक्टर्स और कंपनी के दरमियान है, डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के नाम से कंपनी के लिए कॉन्टैक्ट करके कंपनी को बाउंड करवा सकता है। डायरेक्टर हो गए एजेंट, कंपनी हो गई प्रिंसिपल, तो कंपनी में अगर एजेंसी फ्लो करती है तो कंपनी को डायरेक्टर्स के दरमियान फ्लो करती है, कंपनी से प्रिंसिपल डायरेक्टर्स के आगे एजेंट्स, शेयर होल्डर्स कंपनी के एजेंट नहीं है, हालांकि रोका कैपिटल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जबकि पार्टनर्स जिनका कैपिटल रोका कॉन्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स से आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। नंबर 8 डिफरेंस, कंपनी के लिए कंपलसरी है अगर पब्लिक कंपनी है उसके नाम के आखिर में लिमिटेड की प्रेस आनी चाहिए। लिमिटेड का पूरा वर्ड पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो और एलटीडी भी लिख सकते हो। प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी है प्राइवेट लिमिटेड की प्रेस आना चाहिए, प्राइवेट ब्रैकेट के अंदर लिखा हो शॉर्ट में लिख सकते हैं पीबीटी ब्रैकेट के अंदर और एलटीडी। पार्टनरशिप के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ की तरफ से प्रैक्टिस चल रही है। आमतौर पे एंड को लिखा होता है, आमतौर पे एंड एसोसिएट्स लिखा होता है, लेकिन लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर 9, कंपनी के जमा से अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो देयर मस्ट बी वन मेंबर, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल मेंबर कंपनी में एक मेंबर तो आना भी हो गई होगा भाई, अब दो का मेंबर है, वही ओनर है, वही प्रोप्राइटर है, वही डायरेक्टर है,
वन मैन शो, वन मैन आर्मी, वही सब कुछ है, उसको बनना क्या सिंगल मेंबर कंपनी वैसे करवा देगा। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कंपनी ऐसे सब होंगे इमीडिएटली वन में कुछ करोड़ रुपए लेकर आए कैसे बाकी से बनाए अपने नाम से अपनी दीदी के नाम से वो इंटैक्ट रहेंगे। एक टेलीफोन डबल वर्सन डबल स्टार है जैसे भी कांटेक्ट करने के बिल्कुल आदमी को इंप्लाई करें प्राइवेट कंपनी अगर आप रजिस्टर करवा रहे देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स। अगर प्राइवेट कंपनी आप रजिस्टर करवा रहे देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट थ्री मेंबर्स, पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप। अब मैक्सिमम मेंबरशिप पे आ गया, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबरशिप की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लाखों में उठ सकते हैं। टॉप थ्री कंपनीज में आती है अमेज़न, जेफ बेजोस उसका मेजर शेयर होल्डर है, वो फाउंडर भी इस कंपनी का, लाखों में इसके शेयर होल्डर 25-30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, इससे भी ज्यादा। प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम मेंबरशिप पाकिस्तान में 50, इसका मतलब बैंक अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड में मालिक साहब उनकी बीवी दामाद बेटियां बेटा और कजन वगैरह मिला के मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इंग्लैंड में प्राइवेट कंपनी की जो मैक्सिमम मेंबरशिप है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, प्राइवेट कंपनी में हजारों सैकड़ों हो सकते हैं, इंग्लैंड की बात है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबरशिप है 20, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो अपनी कंपनी नॉर्मल पड़ेगी, उसको इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। आस्था रास्ता